आज आपको एक ऐसी फ्रूट के बारे में बताऊंगा जो इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है, आज के दिन में अवेलेबल है, और वो है आलू बुखारा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्लम बोलते हैं। इस पे इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, विटामिन सी होती है, जिंक होती है, कि ये इम्यूनिटी देने में काफ़ी फ़ायदा करता है। पर उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी और डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। एक लाल कलर का होता है ये फल, करीब 2 से 7 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, कहीं कहीं बड़ा भी मिलता है, छोटा भी मिलता है। इसकी ओरिजिनेशन हुई है चाइना से और फिर वहाँ से पूरे वर्ल्ड भर में फैल रही है, पर आज के दिन में वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा आलू बुखारा चाइना में उगता है। और इसको जब सुखा लिया जाता है तो इसको प्रूंस बोलते हैं, और ये प्रूंस भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स के तरह, खजूर के तरह मिलती है बाजारों में। इसका एक वैक्सी कवर होता है, जैसे लगता है मोम का बनाया हुआ कवर है, रेड कलर का इसका एक टिपिकल बनावट है। इसमें कैलोरीज होता है 46 कैलोरीज 100 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम खाएंगे तो 46 कैलोरीज है, तो ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, वेट कम करने के लिए भी फायदा करता है। फाइबर होता है 1.4 ग्राम, जो कि अच्छा खासा फाइबर माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम और करीब करीब 87 ग्राम पानी होता है। विटामिन से लदा होता है ये फ्रूट, इसमें विटामिन ए, B12, B2, B1, B6, B5, B6, फोलेट, विटामिन सी तो बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, मिनरल से भी लदा होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और फॉस्फेट और सोडियम और पोटेशियम और जिंक, ये सारे मतलब न्यूट्रिशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही उमदा फ्रूट है ये। क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में, क्या क्या फ़ायदा करता है? एक फ़ायदा सबसे बड़ा, एंटी ऑक्सीडेंट बहुत रिच है, और इसके वजह से हार्ट के लिए फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदा करता है, और डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा करता है, कैंसर को प्रिवेंट करने में बड़ा मदद करता है। अच्छा, बोन्स को गार्ड करता है, इसमें पॉलीफेनॉल्स होता है जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, तो बोन की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। कब्जियत में फ़ायदा करता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कि स्किन की जो टोन है उसको मेंटेन करते हैं। जो लीवर में फैट जम जाता है, बहुत सारे लोगों को ये आलू बुखारा से वो फैट भी डिसॉल्व होता है। एक बहुत बढ़िया यूज़ आलू बुखारा का वो एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी में आलू बुखारा बहुत काम करता है। तो आदमी को हम लोग बोलते हैं भाई जिसको भी ज़्यादा एंग्जाइटी है, 1-2 आलू बुखारा हर दिन खिलाओ। इसको स्टोर करने का तरीका, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ऐसे तो फ्रूट के हिसाब से खाते ही हैं। इसका जैम्स बनता है आलू बुखारा का, वो बहुत पॉपुलर है। इससे वाइन भी बनती है कुछ तरह की, और इसको ड्राई करने के बाद प्रूंस होता है वो यूज़ होती है। तो आलू बुखारा के बहुत सारे यूज़ हैं, और याद रखिएगा ये पहले पहले थोड़ा खट्टा होता है, फिर धीरे धीरे जब ये पकने लगता है तो ये मीठा होने लगता है, और आप ज़रूर खाइए। इससे बढ़िया फ्रूट्स मेरे ख्याल से बहुत कम होती है, तो सीज़न में मिलता है, अभी का सीज़न है, अभी आलू बुखारा आप ज़रूर खाइए। और इसमें जितनी फैट्स होती है बहुत ही मामूली फैट होती है, 2.28 मतलब 3.3 ग्राम फैट होता है 100 ग्राम में, तो फैट है ही नहीं मान के चलिए, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, आलू बुखारा खाना शुरू कर दीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट के बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को, उनको बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से बचाते हैं। हमारे साउल हार्ट सेंटर अक्रॉस इंडिया 100 सेंटर है हमारे, और हम हार्ट के पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट करते हैं बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपके लिए नया नया वीडियो लाया करूँगा हर दिन। थैंक यू।